हाय, मैं हूँ जागृति मेहता। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर। 2020 सबके लिए एक नया संदेश लेके आ रहा है, नया न्यूज़ लेके आ रहा है, नए चेंजेस लेके आ रहा है। तो सबसे पहले आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। टैरो कार्ड से हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जान सकते हैं। मैं टोटल 4 कार्ड निकालूंगी। 1 इज़ फॉर हेल्थ, 1 इज फॉर रिलेशनशिप, 1 इज फॉर मनी एंड करियर, और एक मैं जो कार्ड निकालूंगी, लास्ट वन विल बी द लकी नंबर फॉर द सेम सन साइन। 2020 मंथ जनवरी, एंड लेट्स सी प्रेडिक्शंस फॉर स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस आर वेरी गुड इन मोस्ट ऑफ द एवरीथिंग, बट बिकॉज वाटर साइन है, दे आर लिटिल बिट मूडी। तो लेट्स सी के आपके जनवरी के कार्ड्स आपको क्या बताते हैं फॉर योर मूड थिंग। आपका हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड योर लकी नंबर। कार्ड बता रहा है कि आपको लेट नाइट पार्टीज में नहीं जाना है, आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है और आपको नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना है। अगर आपको आपके हेल्थ को लेकर के कोई फिक्र है, कोई फियर है, कोई चिंता है कि मेरी हेल्थ शायद ख़राब हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपकी हेल्थ इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से चीज़ें अरेंज कर रहे हो। आप डिसिप्लिन फॉलो करना है, आप एक टाइम टेबल बना रहे हो कि मुझे कब क्या करना है, मुझे कौन से जिम में जाना है, मुझे कौन से टाइम पे क्या खाना है। यू हैव टू जस्ट फॉलो जो आपने टाइम टेबल सेट किया है। अवॉइड करना है आपको इज़ ओनली वन थिंग कि आप लेट नाइट पार्टीज नहीं जाओगे और आप अननेसेसरी अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करोगे और आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं करोगे। आपकी हेल्थ को आपको पेयर से बचाना है। रिलेशनशिप के लिए स्कॉर्पियंस आपका कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप बहुत ही फुलफिल और बहुत ही कंटेंट फील करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप रिलेशनशिप में इंजॉय करोगे, जैसे कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। हो सकता है कि आप कहीं कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हो। रिलेशनशिप में आप डिपेंड रहोगे आपकी फैमिली के ऊपर और आप खुशी खुशी अपने आप को ऑक्यूपाइड रखोगे विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पार्टनर। आपके करियर और आपके मनी के प्लेस पे जो कार्ड है वो कहता है कि आप जो कुछ है उसको इंजॉय कर रहे हो। अगर आप कुछ जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हो तो आप बिल्कुल मत करिए। जो काम आप कर रहे हो, जो आप जगह पे हो, वो जगह भी आपकी बनी रहेगी और आपका काम भी बना रहेगा। आप चेंज मुझे इस मंथ नहीं दिख रहा और पॉजिटिव नहीं है चेंज आपके लिए। सो जैसे आप जहाँ पे हो आप रहो, एंड ये जगह आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, ये जगह आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी देगी मेरे हिसाब से। तो योर मनी एंड योर करियर इज़ वेरी पॉजिटिव। जो फ्लो आ रहा है मनी का वो आपका कंटिन्यू रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। एंड योर लकी नंबर इज़ 5, तो 14 एंड 5 दिस 2 नंबर आपको फॉलो करने हैं अगर आपको कुछ शुरू करना है या आपको कुछ फॉलो करना है। तो यू कैन फॉलो 14 एंड 5 बोथ नंबर। ओवरऑल आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे हैं, बट आपको जो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, जस्ट अवॉइड लेट नाइट एंड आपके शरीर को आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है। दैट्स द होल थिंग। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरे प्रेडिक्शंस आपको हेल्प करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। टिप ऑफ द मंथ, आपको जो भी अचीव करना है आपके लाइफ में, जो आपका एम है, वो आपको रात को सोने से पहले 21 टाइम या तो आपको लिखना है या तो आपको बोलना है, और उसके एग्जैक्ट बाद आपको सो जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी विश है, आपकी विश आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी एंड आप बहुत जल्द वो अचीव कर सकते हो। आई विल कम बैक विथ
month of the February with my all predictions for all signs. Happy January, happy new year once again. Thank you.